हेलो दोस्तों, आज मैं आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ऐसी सब्जी जिसकी टिप्स और ट्रिक्स जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, ये देखिए। और ये मैंने तीन आलू जो हैं वो उबाल कर रख लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से मैं ये आलू की जो रेसिपी है उसमें टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब हमने इसमें तेल डाल देना है। तेल आप कोई भी जो आप खाते हैं, चाहे सरसों का हो, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। अब यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं, और ये जीरा, थोड़ा सा तेल गरम हो रहा है, जब तक तेल गरम हो रहा है इसमें हमने जीरा डाल दिया है। अब हम ये देखिए, ये दही है, ये मैंने एक कटोरी दही ली है, और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। फ्लेवर के लिए देंगे हम आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और डेढ़ चम्मच के करीब धनिया। इन सभी को मैं इसमें डाल देती हूँ। और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दही को। ये देखिए, आलू की सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आप दंग रह जाएंगे। अब मैंने इसमें प्याज जो काट के रख रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें हमने प्याज जो है वो डाल दिए थे। अब हम डालेंगे इसमें दो हरी मिर्च, महीन काटी हुई, और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी एक पिंच हींग। अब प्याज को हम थोड़ा ब्राउन होने तक इसको पकने देते हैं थोड़ा सा। और ये मैंने लीड जो है वो लगा दी है, मीडियम कर दिया है गैस। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जो आलू है ये जो मैंने काटे थे, इनको हम ऐसे हाथों से ही थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से उबाल लिया था, अच्छी 4-5 सीटियाँ दे दी थी, उसके बाद इसका छिलका उतार के हमने आलू तैयार कर लिए हैं। हम इसमें जो है दही डालेंगे, तो इसीलिए टमाटर हम नहीं डालेंगे आलू में, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए, अब सभी आलू जो है वो मैश हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी दही, जो हमने दही का बैटर तैयार किया था जिसमें हमने मसाले डाले थे सभी, और हम इसको लगातार हम हिलाते रहेंगे जब तक ये उबाला ना आ जाए इसमें।
क्योंकि दही के फटने के चांसेस भी होते हैं। यदि जरा सी दही फट भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको लगातार हिलाते रहेंगे लो मीडियम फ्लेम है। ये देखिए दही को मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। लगातार मिलाते हुए इसको अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी और ग्रेवी को पकाना है। इधर मैंने तवा जो है वो चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे, इसमें कस्तूरी मेथी को थोड़ा गर्म कर लेंगे। मैंने तरीका आपको पहले भी बताया था, कस्तूरी मेथी थोड़ी सी गर्म हो गई है, इधर मैं इसको लगातार स्टर कर रही हूँ। ये देखिए कस्तूरी मेथी को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको क्रश कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ मैं लगातार जो है इसको दही वाला जो है वो मैं हिला रही हूँ यहाँ, और ये मैंने कस्तूरी मेथी भी इसमें डाल दी है। कस्तूरी मेथी से सब्ज़ी में जो है टेस्ट इन्हांस होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्ज़ी। थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी रख ली है बाद में डालने के लिए। अब मैं इसमें 1-2 मसाले और डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च, ये है गरम मसाला, ये मैंने इसमें डाल दिया है, और भुना हुआ जीरा, ये देखिए 1/2 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा, पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। लगभग मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। लगातार हिलाते हुए उबाल आ रहा है इसमें। मैंने इसमें मेरा अपना खुद का बनाया हुआ घर का मसाला है एक, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। 1/2 चम्मच जो है मैंने इसमें वो भी डाल दिया है। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें इसी स्टेज पे आलू डाल दूंगी।
खट्टी मीठी जो है आलू की सब्जी बनकर तैयार हो रही है, क्योंकि दही से इसमें थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो खट्टा आएगा। प्याज भी मीठे होते हैं और आलू भी, ज़्यादा खट्टी भी नहीं बनेगी। कहीं आप यूँ सोचते हो कि ये ज़्यादा खट्टी बनेगी, ज़्यादा खट्टी भी नहीं बनेगी। ये देखिए, अब हम इसमें 5 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देते हैं। परफेक्ट आलू की सब्जी बन गई है। अब जो पहले हमने थोड़ा सा नमक डाला था वो भी काला, अब हम इसमें जो नमक है सादा वो हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी, मैंने डाल दी थी, अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, जो डेगी मिर्च है वो, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए और सब्जी को रंगत देने के लिए हम डेगी मिर्च का ही उपयोग करते हैं। ये देखिए, यदि आपकी दही थोड़ी बहुत फट भी जाए तो आप चिंता न करें, वैसा ही टेस्ट आएगा और वैसा ही टेक्सचर। अब मैं इसमें जो मेरा बची हुई जो कस्तूरी मेथी थी उसको मैं डाल देती हूँ क्रश करके। उबाल आना शुरू हो गया है, ये देखिए 5-7 मिनट के लिए और ढक देते हैं। मैं आपको इसमें क्या डालूंगी अंत में ये देखने के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी जो है आलू की सब्जी बनकर तैयार हो रही है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ। ये देखिए, ज़्यादा आलू पकाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आलू जो है हमने पहले ही उबाल के और इसमें डाले हैं। अब मैं इसमें फ्लेवर थोड़ा सा और देने के लिए इसमें जो है जायफल है, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा इसमें घिस रही हूँ, इससे टेस्ट जो है इतना अच्छा आएगा सब्जी में। यदि हम इसमें थोड़ा सा जायफल क्रश कर देंगे तो हमें ज़्यादा गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही जायफल काफ़ी है। ये देखिए, थोड़ा सा ही जायफल डाला है मैंने। आलू की सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो रही है, केवल 2 मिनट के लिए और हम इसको ढककर छोड़ेंगे ताकि वो जायफल का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए अच्छे से। ये देखिए, बनी है ना गजब की दही वाली आलू की सब्जी। हमने ना इसमें कोई टमाटर डाला और ना ही कोई लहसुन, केवल प्याज से ही हमने और थोड़ी सी दही डाल के हमने कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार कर ली है, बिना कोई झंझट के, बिना ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाली। जल्दी से बनने वाली, झटपट बनने वाली आलू की सब्जी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और मेरे मीनाक्षी के मनोभाव चैनल को प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।